Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to decode the Hindu newspaper for 28th Feb 2020. Aap sabhi ka swagat hai, Jai Hind. अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है. आज हम 28 फेब 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर डीकोड करेंगे एंड वी आर आल्सो गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास एज वेल. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज. केरला टफन्स एक्सटेंड ऑन एनपीआर. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ यू कैन सी दैट एनपीआर इज इन न्यूज सिंस द लास्ट वन ईयर. एक साल से हम एनपीआर एनआरसी सीए को न्यूज में देख रहे हैं. सो देयर इज 1000% गारंटी दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीएए सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स और एनपीआर एनआरसी एटसेट्रा आर गोइंग टू फीचर इन प्रीलिम्स 2020 एंड इन मेंस 2020. इवन इन योर इंटरव्यू दे कैन आस्क यू योर ओपिनियन योर स्टैंड ऑन द करंट इशू. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ओपिनियंस आर स्ट्रांग एंड सॉलिड ऑन दिस इशू एंड डू नॉट गेट स्वेड अवे विद अदर्स ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट. दूसरों के ओपिनियन और व्यू पॉइंट के पीछे ना एकदम पागल मत हो जाना. या इसकी बात सुन ली तो अरे हमारा ओपिनियन भी है, उसकी बात सुन ली तो हमारा ओपिनियन भी वो है. सीएए एनपीआर और एनआरसी को ना लॉजिकली देखना, इमोशनली मत देखना. डू नॉट लुक इनटू दिस मैटर इमोशनली. देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कह सकते हैं कि पैशनेट नहीं होते एग्जाम के लिए, तो वो ना इमोशनल एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं. इमोशनल एंगल जहां आपने फिट किया वहां एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता. ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल फिट करना है? लॉजिकल एंगल फिट करना है. ओके, मेक श्योर दैट यू आर नॉट इमोशनल इन दिस यूपीएससी जर्नी. यू आर लॉजिकल, यू आर रैशनल एंड यू स्टैंड फर्म ऑन योर ओपिनियन बेस्ड ऑन एविडेंसेस डेटा स्टैट्स एटसेट्रा. ये मेक श्योर करना कि आपके ओपिनियंस हमेशा स्ट्रांग प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे, मतलब लॉजिक्स पे, रैशनैलिटी पे, स्टैट्स पे, डेटा पे अपने ओपिनियंस फॉर्म करने हैं. किसी की बातों में इधर उधर घूम के ओपिनियंस फॉर्म नहीं करने. ओके, सो केरला हैज टफन्ड इट्स स्टैंड अगेंस्ट अपडेटिंग एनपीआर एंड आस्क्ड इट्स सेंसस ऑफिशियल्स नॉट टू अटेंड ट्रेनिंग सेशंस रिलेटेड टू रजिस्टर. नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क मी, मैम शुड वी बी नेगेटिव अबाउट एनपीआर एंड एनआरसी एंड सीएए और शुड वी बी पॉजिटिव. सी, नेगेटिव और पॉजिटिव इज इट्स योर चॉइस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा और द स्टैट्स. यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. एंड अगर आप लॉजिकल हो ना, इफ यू आर लॉजिकल एंड रैशनल यू कैन नेवर बी नेगेटिव और पॉजिटिव. यू विल ऑलवेज बी न्यूट्रल. अगर आप लॉजिकल हो तो आप कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होगे, आप न्यूट्रल रहोगे. आपको पता है आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ना बैलेंस करना जान पाओगे अगर आप न्यूट्रल हो और लॉजिकल हो. ओके, अ ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु इज ऑलवेज न्यूट्रल इन हिज और हर अप्रोच, हु स्टैंड्स फर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेटा एंड एविडेंसेज एंड स्टैट्स एंड प्रूफ्स. ओके, and who is not religiously or emotionally moved. Clear everyone? इतना याद रखना. आप में से अगर 20 बच्चे भी या 100-200 बच्चे, 1000 बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे ना, उनमें से कम, बस कम से कम 10 या 15 या 20 ऐसे होंगे जो लॉजिकल होंगे, राइट? बाकी सब इमोशनली इधर उधर मूव करते रहते हैं. अगर आज लॉजिकल हो भी गए तो दूसरे दिन फिर इमोशनल हो जाएंगे, वो नहीं होना. द स्टेट इज स्टेपिंग अप इट्स रेजिस्टेंस इवन एज द नेशनल अथॉरिटीज हैव मेड इट क्लियर दैट द रजिस्टर विल बी अपडेटेड अलॉन्ग विद द सेंसस इन द स्टेट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. इट्स मैंडेटरी. इसके पीछे लड़ाई मत करने लग जाना एनपीआर नहीं होना चाहिए. वो तो होता ही हर कंट्री में होता है. इफ देर इज नो एनपीआर हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फ्रेम पॉलिसीज, राइट? एनपीआर इज मैंडेटरी. हमारी कंट्री में बनता रहा है और कंट्रीज में भी बनता है. ठीक है, एनआरसी और सीए को लेकर इश्यूज चल रहे हैं. सो एनपीआर इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नाउ आई एम प्रेजेंट इन द बोर्ड ऑफ इन द पैनल इन द इंटरव्यू राउंड. ओके, एंड आई एम आस्किंग यू, who according to you is a usual resident of the country? Are you a usual resident of your country? They can ask you. अगर मान लो मैं इंटरव्यू बोर्ड में पैनल में बैठी हुई हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ यूजुअल रेजिडेंट आपके हिसाब से कौन है, तो यू हैव टू नो द डेफिनेशन. इफ यू डू नॉट नो द डेफिनेशन, जस्ट सिंपली से सॉरी सर आई डोंट नो. बट इफ यू नो द डेफिनेशन, बी फर्म इन इट. कंफ्यूज मत होना, डरना मत, घबराना मत. ठीक है, यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज वन हु हैज बीन रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट लास्ट 6 months और प्लान्स टू स्टे इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर द नेक्स्ट 6 months. मान लो आप करोल बाग में रह रहे हो दिल्ली में. अगर आप आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि नेक्स्ट 6 महीने में मैं यहाँ पर रहूंगा, तो आप यूजुअल रेजिडेंट हो. और मान लो आप पिछले 6 महीने से रह रहे हो यहाँ पर, तो भी आप यूजुअल रेजिडेंट हुए.
Now, legal provisions. NPR is being prepared under the provision of Citizenship Act 1955 and Citizenship Rules 2003. You have to remember this. And it is compulsory for every usual resident of India to register in the NPR. You have to get yourself registered in the NPR in order to come under the policies which are implemented by the government for your welfare. Now, when we talk about NPR and NRC, unlike the NRC, NPR is not the citizenship enumeration drive. NPR is citizenship counting drive nahi hai, as it would record even a foreigner also. Country mein at present kitne log hain ye janne ke liye NPR banaya ja raha hai. How many people are there in the country to know that NPR is being prepared? So it will also include the foreigner. These points, these lines are important for prelims. They can say ki NPR will not include foreigners. It will include foreigners. ठीक है, आपको prelims में confuse कर देंगे वो कि भाई NPR में तो foreigner है नहीं, but नहीं, वो statement गलत होगी. NPR में foreigner भी included होता है. क्यों? Why? Because everybody who is living in an area for the last 6 months or intends to live in that area for the next 6 months will be included in NPR, right? Now, with the government insisting that the NRC would be implemented across the country, NPR has raised anxieties around the idea of citizenship in the country. बहुत लोग हैं जो, you know, एक कह सकते हैं कि political जो move ये चल रहा है, protest बाजी हो रही है, ये सब हो रहा है, इसके चक्कर में NPR को भी गलत मान रहे हैं, but NPR तो बनाना ही पड़ता है. आप चाहे हाँ बोलो या ना बोलो, NPR बनाना पड़ेगा इसी हिसाब से, क्योंकि policies बनती है. When you are going to enter bureaucracy, you will understand that NPR is mandatory. Now, next important news, UP Pollution Control Body pulled up for Ganga's plight. Now, one more thing. There are students who ask me, ma'am, what's your opinion on CAA or NRC? These are those students, based on my opinion, they will frame their own opinion or they will try to, you know, counter attack, right? Ab kuch student aise hote hain jo dusron se puchte hain, ma'am, aapka kya opinion hai CAA aur NRC mein? Humne apne opinion last bahut si classes mein bata diye hain. We have told our opinion in the last few classes based on evidences, facts and stats. Now again, there are students who keep on asking, ma'am, what's your opinion? Why it should be, you know, implemented or not, this and that. See, ये वो बच्चे हैं जो दूसरों के opinion को सुनकर खुद का opinion बनाना चाहते हैं, या फिर दूसरों के opinion सुनकर उनको criticize करना चाहते हैं, या उसमें loopholes निकालना चाहते हैं. ये नहीं होना चाहिए. Never ask for anybody's opinion. Just read what is coming in the newspaper, read other politicians' viewpoints, then read the data, stats and other important evidences and then frame your opinion. अगर अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? ठीक है? UP Pollution Control Body pulled up for Ganga's plight. Central Pollution Control Board and has pulled up UP Pollution Control Board for its inability to prevent drains in Kanpur from polluting the Ganga. अब UPPCBA को डांट पड़ी है CPCB के द्वारा कि भाई आपने pollution जो है गंगा रिवर में उसको रोका नहीं है, रोकने में आप असफल रहे हो, right? And here you have to study three things for your prelims. First is Namami Ganga program, second is CPCB, and third is biochemical oxygen demand, BOD and dissolved oxygen. These three things are important. ये तीन चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा. Now next important fact for prelims you have to study is that Kanpur contributes the highest pollution load among all of the cities of Uttar Pradesh, which itself accounts for 75% of pollution load in the Ganga. According to the news, Namami Gange program has undertaken the cleaning of some of the drains emptying into Ganga. कुछ ऐसी नालियाँ हैं ना जो गंगा में जाकर ओपन होती हैं, उनकी सफाई का इंचार्ज किसने, किसके अंडर आया है? Namami Gange program में. Central Pollution Control Board and UP Pollution Control Board had been jointly monitoring 24 drains since 2019. एक साल हो गया है, मार्च होने को आ गया है, अगले महीने मार्च है. Drains that revealed high color from chemical effluents or BOD or DO, mostly due to higher microbial presence, were to be cleaned under the program. Errant municipal bodies or industrial units were to be fined or face shutdowns. Over 1,000 industries in the region, including sugarcane, pulp, paper and tanneries and slaughterhouses, had been identified and monitored for effluent load. You have to remember which type of industries have been brought under the effluent load. कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको पकड़ा गया है कि ये पोल्यूशन कर रही हैं? वो है शुगर केन, पल्प, पेपर, टैनरी, स्लॉटर हाउसेज. सो यू हैव टू रिमेंबर स्लॉटर हाउस भी. कुछ लोग सोचते हैं स्लॉटर हाउस नहीं होगा, बट स्लॉटर हाउस भी है. इंडिया इवैक्यूएट्स 112 पीपल फ्रॉम चाइना, 124 फ्रॉम जापान. इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स नेशनल्स from Wuhan and brought back those who were quarantined on board the Diamond Princess cruise ship docked off Yokohama in Japan.
amid the COVID-19 outbreak. Now, Indian government भी वहां से evacuation process में लगी हुई है. चाइना से हमने 112 इंडियंस जो है उनको इवैक्यूएट किया है. जापान से 124 लोगों को इवैक्यूएट किया, बचाया है. बट दीज पीपल आर क्वारंटाइन. ये मत सोचना कि अरे वहां से कोई किसी में वायरस हुआ तो नहीं, इनको क्वारंटाइन में रखा गया था और तब यहाँ पर लाया गया है. इंडिया गेट्स इनवाइट फॉर यूएस तालिबान डील इवेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेन्स, द साइनिंग ऑफ द पीस डील बिटवीन यूएस एंड तालिबान इन दोहा. India has been invited to the ceremony of signing of the peace deal. Around 24 countries are expected to participate in the ceremony. India has always held that the peace negotiation should be Afghan-owned, Afghan-led and Afghan-controlled. Why? Because it is in Afghanistan only that this peace is taking place. Right? So, isliye Afghan should have a higher stake in this particular event. So, a peace agreement will be, signed. अब यूएस तालिबान का जो डील इवेंट हो रहा है जिसमें हम पीस की बात करेंगे मेनली. नाउ दिस इज आयरोनिकल, फॉर पीस वी आर साइनिंग अग्रीमेंट्स. ये बहुत आयरोनिकल और सार्कास्टिक बात हो गई कि हम पीस के लिए, शांति के लिए बैठकर अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. पीस इज समथिंग दैट इज ह्यूमन, दैट इज नेचुरल. इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू, राइट? दिस थॉट ऑफ मेंटेनिंग पीस शुड कम फ्रॉम विद इन यू. बट इट्स वेरी पुअर, इट्स वेरी यू कैन से शॉकिंग राइट नाउ, वेरी you can say it pitiful that we are signing agreements, we are making deals for peace. देखो पीस ऐसी चीज है जो इंसान में इनबिल्ट होती है, अंदर से आनी चाहिए कि हमें पीसफुल रहना है, पीस का वातावरण हमें रखना है, ये दंगा फसाद ये नहीं करना. बट ये आज के जमाने में हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि हम पीस के लिए भी अग्रीमेंट बैठ के साइन कर रहे हैं. मतलब इंसान कहाँ पहुंच गया है, कहाँ जा रहा है? On one hand, we are crossing the limits of our planet. We are stepping into space. We are doing wonders over there. And on other hand, on land, we are signing agreements and we are making deals and negotiations and contracts for maintaining just peace, right? So this is how you have to think from ethics point of view, okay? Telcos seek help on priority basis. Stress in the telecom sector of India, reeling under pressure to clear their adjusted gross revenue related dues. Telecom companies have sent an urgent request to the government seeking measures to facilitate reduction of financial stress in the industry. We all know telecom sectors, they are hating this concept of adjusted gross revenue right now, and they are seeking help on priority basis from the government. Telecom companies are requesting the government to remove the requirement for financial bank guarantees to secure payment of license fee, or they should be reduced to 1/4 of the license fee. But government is not paying any heed. Government bol rahi hai, ab tak tumne bahut paisa apne jeb mein rakh liya hai, ab jaisa hum keh rahe hain waisa karo, ab bachne ka koi fayda nahi hai, jo paisa kamaya hai us pe jitna hamara share banta hai hame do. Now answer this question, which of the following national waterways are not correctly matched? National waterways are given and the stretches to which extent it stretches, that is given. NW2, that is National Waterway 2, Kotapuram Kolam, National Waterway 3, Sadia Dubri, National Waterway 1, Allahabad Haldia. So now you have to tell me which is the correct answer. Tell me in the comment section mein fatafat se batao. Correct answer is option A, that is 1 and 2 are correct. Question number 2, arrange the following currencies in the descending order according to their share in India's external debt. US dollar, Indian rupee, special drawing right and Japanese yen. डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जल्दी से अरेंज करो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट अकाउंटेड फॉर 55.6% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट इन 2016, फॉलोड बाय इंडियन रुपी दैट वॉज 30.1%, स्पेशल ड्रॉइंग राइट SDR 5.8%, Japanese yen 4.8%, pound sterling 0.7%, euro 2.4% and others 0.6%. Clear everyone? Answer the next question. Consider the following statements. Most of India's external debt is owed by governmental entities. All of India's external debt is denominated in US dollars. Correct answer is
This question has been taken from prelims 2019 and you have to give me the correct answer to this question in the comment section. ये question prelims 2019 का है और आपको मुझे correct answer देना है नीचे comment section में, ठीक है? Extreme word is all, so this statement is wrong. Most of India's external debt is owed by government entities. Correct answer is none. Okay. So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. The PDF of the classes are uploaded on our Telegram channel. हमारे Telegram channel पे PDF classes का upload हो जाता है. You can download the PDF from Telegram channel. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Unnecessary questions or unimportant questions just to distract the minds of other students are not welcome on this channel. We are going to delete those comments if they are unnecessary. But then if you have any genuine doubt, serious query, then you can ask me, of course, anytime in the comment section. Thank you and have a nice day.